अगर आपके और आपके प्यार के बीच, आपके पार्टनर के बीच जब तीसरा कोई इंसान आता है तब क्या करना चाहिए। सो हे गाइस, मैं हूँ श्रावण और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन क्यों आता है। सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि रिलेशनशिप में ऐसा क्या होता है जिस वजह से रिलेशनशिप कमज़ोर होता है और तीसरा इंसान आपकी रिलेशनशिप को और ज़्यादा कमज़ोर करा देता है। हम ना इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जब भी हम रिलेशनशिप में आते हैं तब आप में और आगे वाले इंसान में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एक दूसरे को समझने में, क्योंकि तब हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल नए होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब रिलेशनशिप को टाइम होता है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल या फिर 2 साल, तो कुछ रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होने लगते हैं। हो सकता है कि तब रिलेशनशिप दोनों साइड से बोरिंग ना हो, किसी एक साइड से भी रिलेशनशिप बोर होने लगता है। कोई एक इंसान, दोनों इंसान में से, यानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में से एक इंसान बहुत ज़्यादा बोर फील करता है, उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है, इसीलिए वो दूसरे इंसान के साथ कंफर्टेबल फील करता है, वो दूसरे इंसान के साथ बात करना पसंद करता है। ये एक वजह हो सकती है जिस वक्त आपको आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड धोखा देकर किसी और के साथ कंफर्टेबल हो रहा है या फिर किसी और से प्यार कर रहा है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होती है, तब दूसरा इंसान यानी आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड छोड़कर किसी और से बात करने लगती है, किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगती है। अब ये समझते हैं कि जब तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप में आ चुका है तब आप उस इंसान को अपने रिलेशनशिप में से कैसे बाहर निकाल सकते हो। यानी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में अगर कोई तीसरी इंसान आ रहा है, कोई लड़का आ रही है, कोई लड़की आ रही है, जिससे आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा बात करती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है उस इंसान के साथ, इसी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, वो आगे वाले इंसान को वैल्यू दे रहा है, तब ना आपको डायरेक्टली उनसे बात करनी चाहिए। आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि तीसरे इंसान के वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। ये आप डायरेक्टली उस इंसान को बोलो, आपकी गर्लफ्रेंड को या फिर आपके बॉयफ्रेंड को। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड आपसे सच में प्यार करता है ना, तो वो आपको ज़रूर समझेगा, वो तीसरे इंसान से खुद को दूर कर लेगा। अगर आपके बीच कोई लड़का आ रहा है तो आपकी गर्लफ्रेंड आपको समझेगी और उस लड़के को आप दोनों के बीच में से निकालेगी। अगर आपके बॉयफ्रेंड के बीच कोई लड़की आ रही है, आपका बॉयफ्रेंड किसी और लड़के से बात कर रहा है, किसी और लड़के से अट्रैक्ट हो रहा है, तब आप अपने बॉयफ्रेंड को सारी चीज़ें क्लियर करो, उन्हें बोलो कि मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ। अगर आपका बॉयफ्रेंड सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो आपको ज़रूर समझेगा, और अगर वो आपको नहीं समझ रहा है और अगर वो इंसान आगे वाले यानी तीसरे इंसान को और ज़्यादा टाइम दे रहा है, और ज़्यादा उस इंसान के साथ कंफर्टेबल हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब इस रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो ऐसे वक्त में सिर्फ आप 2 ही चीज़ें कर सकते हो, आगे वाले इंसान को यानी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को अच्छे से समझा सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन, आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड आपको नहीं सुन रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, वो आपके साथ अब कंफर्टेबल नहीं है, तो इस रिलेशनशिप का अब कोई फ्यूचर नहीं है, इस बात को समझना होगा। अगर आप फिर भी उस इंसान के लिए रो रहे हो, उस इंसान को रो रो कर समझा रहे हो, उस इंसान से प्यार की भीख मांग रहे हो, तो इस वजह से आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगी। इसीलिए अगर कोई तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप में आ रहा है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर बॉयफ्रेंड को अच्छे से समझाओ, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, वो फिर भी आगे वाले इंसान से यानी तीसरे इंसान से बात कर रहा है, तीसरे इंसान को और ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, तीसरे इंसान के साथ और ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो ऐसे वक्त में ना आपको रिलेशनशिप में से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आगे वाला इंसान, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है,
और फिर भी आप उन्हें इस बात का एहसास दिला रहे हो कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और तब भी वो इंसान नहीं समझ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ो। ये बहुत टफ है बट ये ज़रूरी है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अगर वो इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप खुद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आगे वाला इंसान क्या करेगा? वो नहीं अब आपके साथ कंफर्टेबल। इस बात को समझो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत सारे रिलेशनशिप में इसी वजह से ब्रेकअप होता है, इसी वजह से एक दूसरे को धोखा मिलता है, क्योंकि रिलेशनशिप में यानी आपकी गर्लफ्रेंड किसी और से अट्रैक्ट होने लगती है, आपका बॉयफ्रेंड किसी और से अट्रैक्ट होने लगता है। तो ऐसे वक्त में आप अपने बॉयफ्रेंड को समझाओ, नहीं समझ रहा है, आगे बढ़ो। सो गाइज, मैं हूँ श्रावण। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।